दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कैरियर प्लस चैनल में। सर्वप्रथम बात करेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंतर्गत यहाँ पर जो है ये जैसे कार्यभार संभाला इन्होंने अध्यक्ष महोदय जी ने, यहाँ पे महोदय जी ने तो तुरंत जो है उन्होंने कहा कि बैठक करिए, बैठक के बाद जितनी भर्तियाँ अटकी पड़ी हैं उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए और कमेटी बनाई गई यहाँ पर जो भर्ती प्रक्रिया तेजी शुरू की जाए और समितियों की रिपोर्ट मिलने के बाद जो है विधिक पहलुओं को जो देखते हुए कार्य में तेजी लाई जाए। मतलब क्या, जितने भी पुरानी अटकी पड़ी हैं, दो वर्ष से जो है भर्तियाँ अटकी पड़ी हैं, आवेदन लिए गए हैं, इसमें जो कानूनी अड़चन आ रही है और वो ना फंसें, इसलिए यहाँ पर जो है और TET भी यहाँ पर जो है आयोग बहुत जल्द इसमें कराने वाला है। यहाँ पर जो है इस तरीके देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ये साथ में इसमें ये बताया गया है इसमें जो है कि विवादों में ना फंसने के सतर्कता से बरतें आयोग। मतलब क्या, आयोग की अगली बैठक में तैयार हो जाएगा शिक्षक भर्ती का खाका। मतलब कि जितनी भर्ती अटकी पड़ी हैं शिक्षा विभाग में, जितनी भी भर्ती अटकी पड़ी हैं वो 10 दिन में जो है रिपोर्ट मांगी गई है। यह है ना, स्टाफ नर्स के 300 नहीं 180 पदों पर होगी भर्ती, परीक्षा 8 तारीख को। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो ये तो वही कि उन्होंने बताया कि जितनी भर्तियाँ अटकी पड़ी हैं उसको जल्द से जल्द पूरा कराया जाएगा और इसके बाद नई भर्ती निकाली जाएंगी। जहाँ 2 साल से अटकी पड़ी हैं वो भर्तियाँ पूरी होंगी, तो उसके अंतर्गत यहाँ पर जो 2 साल से अटकी पड़ी भर्ती है उसमें आपकी शिक्षक भर्ती है, बाऊ भर्ती है और साथ में इंटर कॉलेज में जो है आपकी क्लर्क भर्ती चल रही थी वो वाली अटकी पड़ी 2 साल से, और साथ में इसमें चपरासी भर्ती भी सरकारी वाली बहुत जल्द इसमें आएगी। बात करेंगे यहाँ पर नई शिक्षक भर्ती की मांग का समर्थन। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंतर्गत यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत यहाँ पर जो है भर्ती नहीं आ रही है, इसी आयोग से आएगी। बताया गया इसमें जो है कि 25,000 पदों पर जो भर्ती की मांग उठाई गई है, TGT PGT और रिक्त पड़े जो 25,000 जो है पदों को पुराने विज्ञापन में जोड़ने के लिए यहाँ पर बोला गया है। आप देख सकते हैं आप जोड़े या न जुड़े बात की बात है, फिलहाल उसको मांग उठाई गई है। साथ में इसमें यह भी बताया गया कि यहाँ पर जो शिक्षक भर्ती से TET तक जो है निर्णय जल्द होगा। वहाँ पर बताया गया इसमें उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के काम में तेजी आएगी और अध्यक्ष कीर्ति पांडे जी ने कहा है कि जल्द शुरू होगी प्रक्रिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं एडेड कॉलेज के अंतर्गत भर्तियाँ होंगी प्रदेश में, जो सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हो गए, डिग्री कॉलेज हो गए, इन सभी में जल्द से जल्द भर्तियाँ कराई जाएंगी यहाँ पर जो। तो उसी के चक्कर में यहाँ पर जो है ये बताया गया है। बात करेंगे नई शिक्षक भर्ती को लेकर, यहाँ बीमारी धरना पर प्रदर्शन चल रहा है यहाँ पर लगातार। उन्होंने कहा कि धरना प्रदर्शन मत कीजिएगा, भर्ती प्रक्रिया शुरू कर देंगे 2 साल से जो अटकी पड़ी है, पहले उनको कराएंगे उसके बाद नई भर्ती इसमें निकाली जाएगी। वहीं पर जो बात करेंगे इसमें 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों की आज जो है CMG से होगी मुलाकात। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है CMG से इनकी मुलाकात कराई जाएगी। बताया गया अब जो है संजय निषाद के आवास के बाहर प्रदर्शन किया 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों को जो है प्रयास रंग लाया। तो यहाँ पर जो है ये धरना जो कर रहे थे फिर वो धरना जो है अब नहीं करेंगे। बात करेंगे वहाँ पर CHSL की Tier 1 परीक्षा में 41,465 अभ्यर्थी सफल हुए और दिसंबर में होगी इसमें अनुवादक स्टेनोग्राफर की परीक्षा। बात करेंगे यहाँ पर जो है आप कर्मचारी चयन आयोग के लिए कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल CHSL की परीक्षा 2024 के Tier 1 की जो है परिणाम जारी कर दिया गया, जिसमें जो 41,465 अभ्यर्थी सफल घोषित कर दिए गए हैं ना। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है बता दिया गया इसमें अब जो भर्ती निकाली जाएगी। तो उन्होंने कहा कि जितने भी इसमें जो सहायता प्राप्त जो स्कूल हैं अध है ना, इसमें सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में जो है शिक्षा व्यवस्था सही तरीके से काम नहीं कर रही क्योंकि भैया टीचर ही नहीं है। तो 25,000 पदों पर जो है मांग इसमें उठाई गई है। अब देख सकते हैं क्या होता है इसमें जो है ये वहीं पर जो है बात करें यहाँ सिपाही भर्ती उत्तर कुंजी जल्द जारी होगी। तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आपने देखा होगा अभी जो 60,244 पदों पर भर्ती निकाली गई थी, यहाँ पर जो है ये सिपाही भर्ती थी उसकी आपने एग्जाम दिया होगा, तो उसके अंतर्गत यहाँ पर क्या उत्तर कुंजी यहाँ पर जो है जारी। तो यहाँ पर जो है जल्द जारी होगी और पुलिस भर्ती बोर्ड आंसर की जारी कर आपत्तियों की मांग करेगा। अगर कहीं आपत्ति होगी, गड़बड़ी होगी तो आप दिखा सकते हैं प्रूफ के साथ। सर देखिएगा इस किताब में ये दे रखा है, इसका आंसर इस किताब में ये दे रखा है। तो SSC अनुवादक के यहाँ और दिसंबर में बताया गया अनुवादक और स्टेनोग्राफर परीक्षा दिसंबर में कराई जाएगी। आपने फॉर्म भरा होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये परीक्षा यहाँ पर ग्रुप ग्रेड सी और डी की है ना 206 पदों पर भर्ती जो होगी ये आपकी शुरू हो चुकी है यहाँ पर, इसमें दिसंबर में करा ली जाएगी। और इसमें जो है बताइए 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी मुलाकात इसमें कर ली जाएगी। यहाँ पर जो है ये बात करें यहाँ पे RO पेपर लीक को लेकर यहाँ पर बताया गया, इसमें जो है कि 12 लाख रुपए में जो है पेपर पढ़ाने वाले 2 गिरफ्तार। सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 पेपर लीक प्रकरण में दोनों आरोपियों को STF ने जो है किंडन से दबोचा। और देखिए कामेश्वर नाथ मौर्य और संजय कुशवाहा सिंह जो हैं, संजय सिंह कुशवाहा ये देख लीजिए यहाँ पर जो है ये आरोपी संजय कुशवाहा के स्कूल में शिक्षक हैं, ये सामने जांच में आया सरकारी शिक्षक है यहाँ पर जो ये।
और देखिए, और पत्नी भी सरकारी शिक्षिका है, और संजय का प्रयागराज के सिविल लाइन जो है मंजनपुर कोसंबी में कंकड़खेला मेरठ में धोखाधड़ी मामले में दर्ज किया है। दोनों शिक्षक हैं पति पत्नी, फिर भी काम ऐसा कर रहे हैं यहाँ पर जो है ये। तो उसी के बारे में जानकारी यहाँ पर आजकल लगभग सभी समाचार पत्रों में खबर आ चुकी है, एक बार देख लीजिए यहाँ पर जो है ये। उसी के संबंध में यहाँ पर जो है नाम दोनों के यहाँ पर दिए हुए दैनिक जागरण में, ठीक है। बस क्या है, पैसों का लालच था और कुछ नहीं था। पति पत्नी दोनों गड़बड़ गवर्नमेंट टीचर हैं, कम से कम 1.5-2 लाख रुपए सैलरी होगा, फिर भी इतना कम लग रहा था उनको, तो ये गड़बड़ करा और जेल चले गए। आपके लिए खुशखबरी आ चुकी है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो ग्राम रोजगार सेवक, ठीक है, ग्राम रोजगार सेवक की भर्ती है, 327 पदों पर भर्ती चल रही है, ये संविदा की नौकरी बताई गई। यहाँ पर जो इसकी जो लास्ट डेट बात करें 21 सितंबर 2024 है, साइड ये दर की है, और यहाँ पर जाकर ये वाला फॉर्म भर दीजिएगा। ये जो वैकेंसी निकाली गई है कहाँ से निकाली गई है ये देख लीजिए, यह आपका जो जिला परिषद से निकाली गई है। और यहाँ पर जो है बात करेंगे, यहाँ पर जो है ये 14 सितंबर 2024 से इसके फॉर्म भर रहे हैं, रेलवे के अंतर्गत ग्रेजुएट, आप सभी जानते हैं टेक्निकल और नॉन टेक्निकल एनटीपीसी की वैकेंसी आ चुकी हैं, है ना, तो इसके अंदर फॉर्म भर दीजिएगा। और 13 अक्टूबर 2024 की लास्ट डेट है, अच्छा वैकेंसी यहाँ पर जो है ये, तो ये जो है वैकेंसी संख्या, यहाँ पर सब एक बार इसको रीड कर लीजिएगा, कितना कितना वैकेंसी कहाँ कहाँ पर इसमें निकाला गया है ये जो है। और जो है मैंने पता लगाया था यहाँ पर शिक्षा विभाग के अंतर्गत ये जो 990 पदों की भर्ती जो होगी वो कब होगी, रास्ता साफ हो चुका है इसमें जो है, इसका विज्ञापन जो इसी माह अंतिम जो सप्ताह रहेगा, अंतिम सप्ताह के पखवाड़े में आपको जो है देखने को मिल जाएगा इसका विज्ञापन, जानकारी मिली अधिकारी के द्वारा। यहाँ पर उन्होंने यही बताया कि इसका विज्ञापन जो है इसी महीने जो है इसका आ जाएगा, है ना, ये देख लीजिए यहाँ पर 990 पदों पर ये अखबार में दे रखा था, तो इसका इसको जो है अध्याचन भेज दिया गया, हमें ऑनलाइन अध्याचन जो है भेज दिया गया, बहुत जल्द इसका भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है यहाँ पर जो ये, और बताया गया है कि इसी भर्ती प्रक्रिया जो है आने वाले महीनों में पूरी कर ली जाएगी, ऐसा इस महीने में विज्ञापन आ जाएगा और अगले महीने भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, बहुत फास्ट काम होगा यहाँ पर जो ये। वहीं पर जब बात करें AKTU कॉलेज में जो 1425 सीटें खाली हैं, अगर आपने एडमिशन नहीं लिया तो अब ले लीजिएगा यहाँ पर जो, अच्छा वैकेंसी और एकदम बढ़िया है यहाँ पर जो है। वहीं पर जो है बात करेंगे इसमें सर, मुजफ्फरनगर एडेड कॉलेज में चपरासी भर्ती इंटरव्यू कब होगा, जब आप शॉर्टलिस्ट होंगे तब इंटरव्यू होगा, क्योंकि इसमें फार्म जो बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। GIC में मेरठ में क्लर्क भर्ती कब शुरू होगी, GIC में अभी शुरू नहीं होगी भाई, अभी आयोग बना है, इसके बाद भर्ती बाद में निकलेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है पशुपालन विभाग संविदा भर्ती आई है क्या, उसका वीडियो बनाइए, ऑलरेडी भर्ती आ चुकी है, ओल्ड वीडियो देख लीजिए भाई, मैंने कितनी बार कहा यहाँ पर जो है ये, है ना, बांदा जिले के अंतर्गत आने वाली वैकेंसी सूचित की दी, कृषि विश्वविद्यालय बांदा की वैकेंसी कब आएंगी, कृषि विश्वविद्यालय अभी कल ही तो वैकेंसी मैंने बताया था, कृषि विश्वविद्यालय का आप देखिएगा तो सही, वीडियो पूरा देखते तो नहीं है, है ना। उत्तर प्रदेश में जो है परिवहन निगम चपरासी की भर्ती निकली हुई, हाई स्कूल इंटर से निकली हुई है, आप पहले वीडियो पूरा देखा कर, यहाँ पर जो है पूरा वीडियो नहीं देखते हैं कि बीच में स्किप करके देखेंगे, निकाल निकाल के वीडियो देखते हैं, वहीं रह जाते हैं और तुरंत कमेंट ठोक देते हैं, तो वहीं मैं आपसे बोला हूँ। और इन्होंने कमेंट किया हुआ सर, जो मैंने सहारनपुर का चपरासी का इंटरव्यू दिया हुआ 20 अगस्त को, और रिजल्ट कब तक आएगा सर, और आपका बड़ा भाई रहूँगा, और जो है और यहाँ पर रोड पे यहाँ पे जो है दिल्ली रोड का देखता हूँ, मतलब क्या डेली यहाँ पे जो है ये डेली देखते हैं रोज़ का वीडियो जो है, और नौकरी आपसे मिलना जरूर आऊँगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल के लिए प्लस, थैंक यू वेरी मच।